नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं आरा जिले के गरहनी प्रखंड के अंतर्गत कुरकुरी पंचायत में, जहां मुखिया प्रत्याशी पार्वती देवी के पति महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से समाज के अंतिम व्यक्ति तक इनका सेवा इनका धर्म है और कर्तव्य है, और ये समाज के हर शोषित दलित व्यक्तियों के साथ इनका पारस्परिक संबंध, समाज सेवी संबंध रहा है। और 2016 में भी ये इलेक्शन में आए थे और कुछ वोटों से ये हारे थे, लेकिन समाज सेवा करते हुए 2021 में फिर से ये मैदान में है। जानेंगे आखिर ये क्यों है, क्या उद्देश्य है इनका, इनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है अखंड भारत में। पहला अपना नाम और परिचय के साथ, विकास अपने पंचायत के लिए विकास का क्या एजेंडा है वो थोड़ा आप बताएं। सर, मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह हुआ और ये कुरकुरी पंचायत महिला सुरक्षित सीट है। मेरी पत्नी पार्वती देवी इस चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ रही है। मैं पिछले 17 वोटों से चुनाव हारा था और हारने के बाद मैं जनमानस की सेवा में लगातार लगा रहा और उनकी जो भी मांगे होती थी तो मैं उतना तो नहीं पूरा कर रहा, हमारे साथ जो भी समर्थ था मैं अपने हिसाब से उनको विधवा पेंशन, इंदिरावास के लिए ब्लॉक जाना, उनको स्मार्ट कार्ड बनवाना, राशन वगैरह का जो कार्ड जिसका नहीं था उसका कार्ड बनवाना, ये सब कार्ड मैंने पिछले बीते दिनों में किया हूँ, जिससे जनता के बीच में मेरा पैठ बन चुका है और जनता की चाहत है कि नहीं ये हम लोगों के बीच आए और ये हम लोगों की सेवा करेंगे। उनको आशा है हमसे कि हम लोग काम में सही खड़े उतरेंगे। हर पोस्टर बैनर पर समाज सेवी लिखा रहता है, कर्मठ लिखा रहता है, ईमानदार लिखा रहता है, लेकिन कहानी कुछ और होती है। पोस्टर पर जो चीज लिखा रहता है आखिर उसमें और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है? सर, पोस्टर को तो बहुत सारे झूठे वादे होते हैं, सारे लोग अपने अपने पोस्टर पर देते हैं, पर मैं तो बीते 5 साल में जनता के बीच में रहकर ये जनता को भरोसा दिया हूँ कि जो पोस्टर पर लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ और जनता में विश्वास है कि इन्होंने जो किया है पोस्टर पर वो सही किया है। अच्छा, पार्वती देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, क्या उनका जनसंपर्क आप खुद करते हैं या खुद पार्वती देवी करती है? वो भी करती है और मैं भी करता हूँ, दोनों आदमी करता हूँ। अच्छा अच्छा, हम एक आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे काम किए हुए हैं, जीत कर यदि आप आते हैं तो पहला काम क्या होगा? पहला काम पर जहाँ पे लोगों का घर नहीं होगा उनको कोशिश करेंगे, घूम घूम कर देखेंगे पंचायत में कि किसके पास घर नहीं है। ये नहीं कि जिसको सर घर मिला है उसको दोबारा मिल जाए, तिबारा मिल जाए, चाहे मिल गया है, देखेंगे कि उसको मिला है कि नहीं मिला है, चाहे हमको वोट दिया हो या नहीं दिया हो उसको। मैं और जनता के बीच में कहता भी हूँ कि चाहे मुझे आप वोट दे या ना दे, और जिसको पहले आवास नहीं होगा उसको पहले आवास की समुचित व्यवस्था करूंगा। मतलब आपने सुना कि इनका सबसे जो महत्वपूर्ण ये है वो ये है कि आवास से वंचित लोगों को आवास सबसे पहले हो, क्योंकि घर है तो सब कुछ है। आपका छाप क्या है, ये छाप भी बताइए और जीत के प्रति कितना आश्वस्त है ये भी बताइए। पर छाप मेरा कलम द्वात है। अच्छा, वो मेरा सिंबल है। और जीत के प्रति सर, मैं तो 5 साल से अपने कर्तव्यों में लगा हूँ, वो तो सर जनता के बीच में है और जनता क्या करी है तो मैं नहीं जानता हूँ, पर लोग भरोसा देते हैं कि नहीं आप 5 साल कर्तव्य किए हैं, मैं इसका समुचित फल आपको हम लोग देंगे। मतलब जीत के प्रति आश्वस्त हैं,
अब देखना है कि मतदान और मतगणना दोनों में कितना अंतर होता है। अखंड भारत के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट, आरा।